क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल है। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, कंसीडर ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर विच कैरीज अ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो। डेंसिटी जो है वो रो है और रेडियस आर है। इफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर बाय 2 इज कार्ड आउट ऑफ इट एज शोन, वो जो डायग्राम दिखाया गया है देखेंगे कि जो स्फीयर है ओरिजिनल वो आर रेडियस का है, इसके अंदर आर बाई टू रेडियस का एक होल काटा गया इस तरह से कि इसका एक जो सरफेस है वो सेंटर पर है और दूसरा जो है इस सरफेस पर है, है ना, इस तरह से काटा गया है। तो बताना है द रेशियो ई ए बाई ई बी। ई ए क्या है, ई ए जो है इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और ई बी जो है इस पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। कहा गया द रेशियो ई ए बाई ई बी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए एंड ई बी रेस्पेक्टिवली एट पॉइंट्स ए एंड बी ड्यू टू द रिमेनिंग पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन की वजह से निकालना है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। ये जो पॉइंट ए है ये एक्चुअली में इस कैविटी के अंदर है, एक तरह से कह सकते हैं कैविटी का सरफेस है। तो कैविटी में कहीं भी निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो इंटू ये सेंटर से ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस होता है ना। ये फॉर्मूला हमने क्लास में ड्राइव कर रखा है, वीडियो लेक्चर में भी आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला होगा वहां पे, है ना। तो ये क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं तो ये आर बाई टू यहां पर दिया गया है, इसका रेडियस आर बाई टू है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ये आर बाई टू होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हर जगह और इसका जो डायरेक्शन होता है वो इसके इसी लाइन के पैरेलल होता है। तो रो डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 3 एप्सिलॉन नॉट यानी रो आर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया पॉइंट ए पर। ठीक, इसका डायरेक्शन वैसे इधर होगा, अब पॉइंट बी पर निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन भी इधर होगा, मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो पॉइंट बी पर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या करेंगे, कंप्लीट स्फीयर की वजह से यहां पर निकालेंगे, उसमें से माइनस करेंगे इस कैविटी की वजह से। तो कंप्लीट की वजह से लिख सकते हैं के क्यू क्यू सी, लिख देता हूं कंप्लीट स्फीयर पर चार्ज के क्यू सी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाते हैं सरफेस पर। ठीक, ये हो गया माइनस, ये जो होल है ये भी एक सॉलिड स्फीयर था तो इस सॉलिड स्फीयर की वजह से इसके सॉलिड जो स्फीयर है स्फीयर के बाहर ये पॉइंट है तो आउटसाइड पॉइंट पर क्या लिखते हैं हम लोग, के क्यू बाई सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं जो कि 3R बाई 2 आएगा इसका होल स्क्वायर, है ना। और ये जो चार्ज है इसको मैं क्यू एच लिख देता हूँ, एच का मतलब ये जो होल है इस पर जो चार्ज था एक्चुअली में वो वाला चार्ज नहीं है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, ई बी जो है के का वैल्यू लिखेंगे 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट, क्यू सी कंप्लीट स्फीयर में जो चार्ज है वो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 pi r³ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, माइनस यहां भी के का वैल्यू रखेंगे 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट और जो होल है जो कैविटी स्फेरिकल कैविटी उस पर जो चार्ज था डेंसिटी इंटू जो कैविटी है उसका वॉल्यूम 4/3 pi रेडियस का होल क्यूब डिवाइडेड बाई यहां पर देखेंगे ये है 3R/2 का होल स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 17 रो आर डिवाइडेड बाई 54 एप्सिलॉन नॉट। ये पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा, ये पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आएगा, हमें तो बताना है इनका रेशियो ई ए बाई ई बी। तो ई ए जो आया है ये है रो आर बाई 6 एप्सिलॉन नॉट और ये है 17 रो आर बाई 54 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो अल्टीमेटली इसको लिखा जा सकता है यहां पर ई ए बाई ई बी निकालना है ना, तो ये हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाई 6 इंटू
17, बाकी कैंसिल हो जाएगा, तो 6 को इसे कैंसिल करेंगे तो आएगा 9, ये आ गया 9/17, है ना। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 18/34, ये जो है फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है। देखेंगे जो फोर्थ ऑप्शन है 18/34 दिया गया है, जो कि इसका रेशियो बताएगा।